हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा बोर्ड नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बोर्ड नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो तरह का कपड़ा यूज़ करने वाले हैं, एक ऑफ वाइट कलर और एक गोल्डन कलर। इनकी मदद से हम एक बहुत ही खूबसूरत सा बोर्ड नेक डिज़ाइन आपको बना कर दिखाएंगे। और साथ ही हमने दोस्तों नेक काटने के लिए एक बुकरम भी ली है। और दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत नेक डिज़ाइन या कुर्ती के डिज़ाइंस या ब्लाउज़ के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में या किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो ये है www.rooffashionpoint.com। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले नेक काटेंगे अपना बुकरम पे। तो दोस्तों, ये जो हमने बुकरम ली है, देखिए कुछ इस प्रकार से इतनी बड़ी बुकरम है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली अपने बोर्ड नेक का मार्क लगाना है। अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं और चौड़ाई जो बोर्ड नेक की रहती है वो रहती है 9 इंच। तो 9 इंच का हाफ करके आपको 4.5 पर निशान लगाना है। तो ये हमारे सिंपली एक बोर्ड नेक का मार्क लग गया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाहर की तरफ जो बुकरम की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है आपको लगभग आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। तो हम आधा इंच से थोड़ी ज़्यादा पर निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सेम मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा सिंपली एक बोर्ड नेक इस तरीके से कट गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो बुकरम बची है इसमें आपको डिज़ाइनिंग कट करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम इस तरीके से खोल के आपके सामने रखेंगे और रखने के बाद में दोस्तों देखिए, ये हमारी बुकरम का जो है वो 20 सेंटर है। 20 सेंटर में आपको एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी एक उंगली, कोई सी भी एक उंगली ले लें, एक उंगली का जो यहाँ तक वाला निशान होता है, यहाँ तक आपको अपनी उंगली को इस प्रकार से रखना है, निशान के 20 सेंटर से आधा आधी उंगली इधर और आधी इधर, और निशान इस तरीके से आपको चाक से ही लगा देना है या आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मार्क लग गया है। अब आपको क्या करना है, दूसरा मार्क इसी के बराबर में सेम इसी तरीके से लगाना है, लेकिन उसकी जो गैपिंग रहेगी, मतलब बीच में आपको इतना गैपिंग देना है। ध्यान रहे इनकी लंबाई आपकी जो उंगली रखी जा रही है वो एक बराबर रखी जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड पर अपने कुछ इस प्रकार से निशान लगा लिए हैं। ऐसे ही दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद में सेम इस तरीके से आपको ये कटिंग कर लेने हैं बारी बारी। ये आपको इस तरीके से अलग अलग रखते जाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इन सब की कटिंग कर लेंगे और बारी बारी सब नंबर से रख लेंगे और उसके बाद हम एक क्रीम कलर के कपड़े पर इन सबको और नेक को चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे 20 सेंटर का। तो अब हम इन पे नंबर डालेंगे। तो नंबर किस प्रकार से डालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से फिर से हम 1 2 3 4 5 6 करके नंबर डालेंगे और सातवां नंबर जो रहेगा वो 20 सेंटर का रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इन जितने भी ये पैच काटे हैं हमने छोटे छोटे, इनको और अपने नेक को ऑफ वाइट कलर के कपड़े पे चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को और पैटर्न को ऑफ वाइट कलर के कपड़े पर चिपका दिया है। नेक में दोस्तों हमने थोड़ा कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ते हुए ऊपर की तरफ को फोल्ड कर दिया है। और देखिए हमने अपने पैटर्न में क्या किया है, पैटर्न में हमने अपनी बुकरम से मिलाकर ऑफ वाइट कलर के कपड़े को काट दिया है और ऊपर की तरफ सारे ही पैटर्न में हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने नेक में बाहर की तरफ गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए दोस्तों हमने 1.25 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली हुई है। तो हम अपने नेक में और पैटर्न में पाइपिंग लगाते हैं। तो नेक में पाइपिंग निकालने के लिए दोस्तों आपको अपनी और एक पट्टी को पहले नीचे रखना है और फिर नेक को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करना है।
अब आपको दोस्तों उतनी ही चौड़ी सिलाई लगानी है जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर पूरी गोलाई में पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इस गोल्डन कलर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में देखिए बहुत ही अच्छी हमारी पाइपिंग निकल के सामने आ रही है। अब हम पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर पूरी पाइपिंग को निकाल लिया है। और इसके बाद दोस्तों आपको ले लेना है इनमें से अपने पैटर्न। तो पैटर्न में हम अपनी पाइपिंग लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने पैटर्न के नीचे इस तरीके से हम इसको फिर से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद में गोलाई में पूरी इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकल कर सामने आएगी। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पैटर्न पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकाल ली है। ऐसे ही हम अपने बाकी सारे पैटर्न पर भी पाइपिंग को बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने सारे पैटर्न पर और नेक पे बड़ी ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को निकाल लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नेक को कुर्ती पर नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। बनाने का तरीका दोस्तों इस नेक को ऐसा रहेगा, उल्टी तरफ से रख के नेक को सीधी तरफ को पलटी मारना है बस। तो ये हमारा उल्टा भाग है, और नेक को हम इस तरीके से बीच सेंटर में रखेंगे। पहले इस तरीके से नेक का बीच सेंटर बना लेंगे। बनाने के बाद कट से कट मिलाकर रखेंगे, और नॉर्मल तरीके से हम इसको सीधी तरफ को पलटी मार देंगे। अब इस नेक को हम सीधी तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ दोस्तों इस पे प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है, और नेक का जो लुक है देखिए ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत आ गया है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपने पैटर्न सेट करने हैं। तो पैटर्न को किस हिसाब से सेट करेंगे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना एक पैटर्न ले लेना है जो कि 7 नंबर का है। 7 नंबर के पैटर्न को आपको अपने नेक के बिल्कुल 20 सेंटर में लगाना है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सारे नंबर वाइज नंबर ही लगाने हैं आपको। तो हम यहाँ पर 7 नंबर का लगाएंगे, फिर 6 नंबर का, फिर 5 नंबर का, इस प्रकार से आपको नंबर घटाते हुए यहाँ पर लगाना है। तो ये हमने अपना पहले 20 सेंटर में सेट कर दिया है, और इसको हम सिलाई से अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम नंबर देखेंगे। तो नंबर कैसे देखेंगे, देखिए नंबर देखने के लिए आपको ये कपड़ा हटाना है, और देखिए 6 नंबर है। तो 6 नंबर को यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे, बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैपिंग देते हुए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे एक साइड के पैटर्न कुछ इस तरीके से अटैच हो गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी दूसरी साइड के भी पैटर्न को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे ही पैटर्न इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो आपके पैटर्न इस तरीके से उठ रहे हैं इनको बिल्कुल गोलाई में सिलाई मारते हुए अटैच कर देना है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे ही पैटर्न इस तरीके से सिलाई मारकर अटैच कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए यहाँ की तरफ भी एक गोल्डन कलर की पाइपिंग को नॉर्मल तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों पाइपिंग लगाने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपनी एक गोल्डन कलर की जो टीकियाँ हैं उनको भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारे नेक का जो लुक है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आ गया है। और दोस्तों आपको हमारा आज का ये बोट नेक का डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।